नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। राज सभा विच देश दी आर्थिक स्थिति ते चर्चा दौरान वक् वक् आगुआं ने रखे विचार, चर्चा भलके भी जारी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा विच जम्मू कश्मीर राखवांकरण सोध बिल 2023 ते जम्मू कश्मीर मुड़ गठन सोध बिल 2023 पेश कीते। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समेत सत्ता धिर ते विरोधी पार्टियां दे वक्-वक् आगुआं ने चर्चा विच लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना विच पारदर्शिता नूं यकीनी बनाउण लई EKYC पेश। पंजाब पुलिस ने अतवादी लखवीर रोडे दे साथी परमजीत सिंह ढाडी नूं अमृतसर हवाई अड्डे तो कीता गिरफ्तार। ते दिल दे दौरे तो फौरन बाद डॉक्टरी सहायता संबंधी जागरूकता लई देश भर विच भलके सिखलाई प्रोग्राम करवाया जाएगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राज्यसभा विच देश दी आर्थिक स्थिति ते चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करदिया TMC दे डेरेक ओबराइन ने कहा कि चौल, कणक, दालां ते LPG दीआं कीमतां 2014 तो वधियां ने। उन्हां कहा कि 6 सालां विच पहली बार पेंडू महंगाई दर शहरी महंगाई दर नालों वधे। कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम ने बेरोजगारी दे मुद्दे ते सरकार नूं घेरदिआं कहा कि देश विच मजदूर आबादी दी दर 46% है, पर मजबूत वाधे दे बावजूद इस विच सुधार क्यों नहीं हो रहा। उन्हें कहा कि CPI महंगाई दर RBI की सहनशीलता हद 4-6% तो उपर है। चर्चा विच हिस्सा लैंदिया BJP दे सुधांशु त्रिवेदी ने देश विच रेलवे दे आधुनिकीकरण, हवाई अड्डियां दी गिनती विच वाधे ते बुनियादी ढांचे दे विकास बारे सरकार दीआं प्राप्तियां बारे चानना पाया। उन्हें कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार दी असरदार आर्थिक नीति दे चलदिआं भारत सब तो तेजी नाल वध रिहा अर्थचारा है। IUMLA दे अब्दुल वहाब, भाजपा दे सुशील मोदी, कांग्रेस दे राजीव शुक्ला, BJD दे सुजीत कुमार, RJD दे मनोज झा, YSRCP दे विजय साई रेड्डी ते MDMK नेता वाइको समेत होरना ने बहस विच हिस्सा लिया। आर्थिक स्थिति ते चर्चा भलके भी जारी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा विच जम्मू कश्मीर राखवांकरण सोध बिल 2023 ते जम्मू कश्मीर मुड़ गठन सोध बिल 2023 नूं विचारन ते पास करन लई सदन विच रख्या। बिलां ते चर्चा दौरान उन्हां कहा कि किसे देश विच 2 प्रधानमंत्री, 2 संविधान ते 2 झंडे किवें हो सकदे ने। जिन्हां ने अजिहा कीता उन्हां ने गलत कीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नूं ठीक कीता। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। मगरों इन बिलों ते हुई चर्चा विच सत्ताधारी ते विरोधी धिर दे वक्-वक् आगुआं ने अपने विचार रखे। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा विच जम्मू कश्मीर राखवांकरण सोध बिल 2023 ते जम्मू कश्मीर पुनर्गठन सोध बिल 2023 ते हुई चर्चा विच हिस्सा लैंदिआं कहा कि पहलां कश्मीर विच पत्थरबाजी वरियां घटनावां हुंदियां सन, हुण अजिहियां घटनावां नहीं हो रहियां। सिर्फ लाल चौंक ही नहीं सगों कश्मीर दी हर गली विच हुण भारतीय झंडा पूरी शान नाल लहराया जांदा है। पहले पथराव होते थे, लोगों को मारा जाता था, आज कोई पथराव 370-35A के बाद नहीं हो रहा है। 2011 की घटना बताता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, तिरंगा झंडा में नहीं फहराने दिया, जेल में डाला था 2 विपक्ष के नेताओं को, लोकसभा के भी और राज्यसभा के। लेकिन आज लाल चौक पर भी क्या कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा फहराया जाता है, ये बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना विच पारदर्शिता नूं यकीनी बनाउण लई किसानां दे चेहरे ते आधार पछाण EKYC पेश कीता है। लोकसभा विच प्रश्नकाल दौरान एक सवाल दे जवाब विच खेतीबाड़ी ते किसान भलाई राज मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा
कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तहत फंड प्राप्त करने लई कई फर्जी एंट्रियां हासिल हुई ने। उन्होंने दसिया कि किसानों नूं सीधे लाभ के तबादले विच पारदर्शिता ते चंगे प्रशासन नूं यकीनी बनाउण लई 13वें प्रधानमंत्री किसान कोष जारी होने तों बाद नवा ई KYC लॉन्च किया गया है। उन्होंने दसिया कि यह प्रक्रिया बहुत सौखी है ते इस नूं मोबाइल ऐप राही भी पूरा किया जा सकता है। सूबा विशेष ऑपरेशन सैल अमृतसर ने पाकिस्तान विच रह रहे अतवादी लखबीर रोडे दे नेड़ले साथी परमजीत सिंह उर्फ पंजाब सिंह उर्फ टाडी नूं अमृतसर दे श्री गुरु रामदास हवाई अड्डे तों गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी नाल अतवादियों की भर्ती करन फंडिंग ते सहायता करन वाले मॉड्यूल दा पर्दाफाश होण दा दावा किया गया है। सूबा पुलिस मुखी गौरव यादव ने इस बारे जानकारी देंदिया दसिया कि परमजीत सिंह एक बरतानवी नागरिक है जिहड़ा इंटरनेशनल सिख यूथ फैडरेशन का संस्थापक मैंबर है। वह 1990 के मुढ़ले दहाके दौरान पंजाब विच हुईयां अतवादी सरगर्मियां विच शामिल सी। 2003 विच उसनू गिरफ्तार कर लिया गया सी ते वह अतवादी सरगर्मियां नाल संबंधित मामले विच दोषी ठहराया गया सी। अपनी सज़ा पूरी होने तो बाद वह बरतानिया वापस परत गया। उत्थे उसने प्रेरक भर्ती करन वाले ते फंड इकट्ठा करन वाले मैंबर दे तौर ते ISYF विच अपनियां सरगर्मियां जारी रखियां। प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना दी लाभपात्री अंग्रेज कौर ने जिला बठिंडा दे पिंड दियोण विच विकसित भारत संकल्प यात्रा तहत मेरी कहानी मेरी जुबानी दौरान दस्या कि उसके परिवार विच होर कोई मैंबर नहीं है ते वह कच्चे मकान विच अपना जीवन बसर कर रही सी, पर हुण मोदी सरकार वालों पक्का मकान मिलन नाल उसकी जिंदगी सुखाली हो गई है। सानू जी घर मिलिया सी बहुत वधिया। हाँ जी, मैं तो जमा गिरी पई सी, गिरी नू खड़ी करे मेरा कोई नहीं सी बाली बार, ठीक है ना गल, मैं तो जमा अकेली हाँ। हाँ जी, इनू जी थोड़े चिर च देता सी मैनू तो। हाँ, मेरा जमा गिरे पिया सी ना घर, मैं तो जमा टुटे कोठे च बैठी सा। हूँ जी एक नाउन आला बाथरू ते बिखनी कोठा ते एक रसोई है नाल। धन्यवाद जी, बहुत ही बहुत ही शुक्रिया, बहुत बहुत कम किया मोदी ने। इसे पिंड की आयुष्मान भारत कार्ड की लाभपात्री परमजीत कौर ने दसिया कि उसके परिवार के 3 जिया का इलाज निजी ते सरकारी हस्पतालों विच मुफ्त होया है, जिस करके वह मोदी सरकार का दिलों धन्यवाद करती है। जी मेरा पोता दाखिल सीगा चंडीगढ़ वाले दे, ता उत्थे भी साडा 5 लाख वाला कार्ड चलिया ते उत्थे भी वह सानू लाभ मिलिया, ता मैं असी सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। इसे दौरान प्रधानमंत्री मातरू वंदना योजना राही जनेपे वेले 5000 रुपए का लाभ प्राप्त कर चुकी मनप्रीत कौर ने भी प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। जी, जो मैं पहला प्रेगनेंट सी, मैं मोदी सरकार वालों 5000 रुपए के लाभ प्राप्त होया, मैं मोदी सरकार दे बहुत धन्यवादी। यात्रा दौरान केंद्र सरकार दियां योजनावां बारे प्रचार करन आई वैन दे सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल पुज्जण ते परवां स्वागत कीता गया। इस मौके पिंड वासियां ने लोक भलाई लई चलाईयां जा रहीयां स्कीमां बारे जानकारी हासिल कीती। इस दौरान हाजर अधिकारियां ने मौके ते आयुष्मान भारत उज्ज्वला योजना ते मातरू वंदना योजना लई नवे लाभपात्रियां दे नाम भी दर्ज कीते। जलंधर जिला प्रशासन वालों नकोदर दे सेंट जूड कॉन्वेंट स्कूल दे पानी पीन तो बाद 12 विद्यार्थियों दे बीमार होने दे कारणों की जांच शुरू कर दी है। SDM मेजर डॉक्टर इनविन कौर वालों स्कूल विखे सेहत टीमां भेजिया गई। टीमां वालों पानी दे सारे स्रोतों जिन्हां विच टूटियां पानी दियां टैंकियां ते कूलरां की जांच की गई ते वख-वख थावां तों पानी दे 4 सैंपल लए गए। मेजर डॉक्टर इरविन कौर ने दस्या कि सेहत टीमां वालों कुछ बीमार विद्यार्थियों के खून के सैंपल भी लए गए। उन्होंने दस्या कि वख-वख क्लासां दे 12 विद्यार्थियों वालों सोमवार दोपहर नूं स्कूल दे पानी वाले कूलर तो पानी पीन तो बाद पेट विच दर्द ते उल्टियां दी शिकायत शुरू हुई। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधकों वालों उन्होंने नेड़े दे निजी हस्पताल लिया गया जिथे इलाज उपरंत विद्यार्थियों नूं छुट्टी दे दी गई। उन्होंने दस्या कि पानी ते खून दे सैंपल खरड़ लैब विच जांच लई भेजे गए ने ते जल्दी ही रिपोर्ट आ जाएगी। उन्होंने कहा कि अजे जांच की जा रही है ते उस अनुसार बनदी कार्रवाई की जाएगी। सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ते मैडिकल साइंसिज विच प्रीख्या बारे कौमी बोर्ड भलके एक देश व्यापी जनतक जागरूकता ते सिखलाई प्रोग्राम करवा रहा है। सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दसिया कि इस प्रोग्राम दा मंतव दिल दे दौरे दे फौरी बाद डॉक्टरी सहायता बारे जागरूकता पैदा करना है।
बहुत सारे हस्पताल कॉलेज यूनिवर्सिटियां ते एमरजेंसी प्रतिक्रिया करन वालियां संस्थावां इस देशव्यापी प्रोग्राम विच हिस्सा लैणगियां। मंत्री ने दस्या कि देश भर विच 10 लाख तो वध भागीदारां नूं CPR सिखलाई दित्ती जाएगी। उन्हां दस्या कि इस प्रोग्राम की महत्ता मरीजां नूं दिल दा दौरा पैण ते हस्पताल पहुंचण तो पहलां वेले सिर सही मुढ़ली सहायता मुहैया करवाउणा है तां जो बहुत सारियां कीमती जानां बच सकण। घट गिणती मामलों बारे मंत्री स्मृति ईरानी ने हज के खेत्र विच सहयोग वधाउण नूं लैके साउदी अरब के हज ते उमराह मंत्री तौफीक बिन फौजान अल राबिया नाल सार्थक गलबात की। नवी दिल्ली विच पत्रकारां नूं इस बारे जानकारी दिंदिया ईरानी ने कहा कि दोवें देश सारे हज यात्रियों नूं बेहतर सुविधावां देण दे मंतव नाल हज प्रक्रिया नूं वधेरे सुविधाजनक ते सुखाला बनाउण लई मिल के काम करदे रहण लई सहमत होए ने। उन्हां कहा कि भारत हज यात्रा खास करके 2023 दी हज यात्रा दे सुचारू संचालन लई साउदी अरब तों मिले सहयोग दी तह दिलों शलाघा करदा ए। इस यात्रा विच भारतीय महिला श्रद्धालुआं दी गिणती तकरीबन 47% सी। I would like to highlight to my friends in the media and excellency to your kind self that we are deeply appreciative of the help that we have received from the Kingdom of Saudi Arabia for extending special help and cooperation for the smooth conduct of Hajj not only every year but also particularly in the Hajj 2023 where close to 47% of our pilgrim who embarked on Hajj from India were women. Including close to 4,000 women who went under the Lady Without Mehram category, which is an all-time high in my nation. ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ UDDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।